आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आप सभी को मालूम कि हर सेमेस्टर में आपको एक को करिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होती है, तो सेम टू सेम आपको सेकेंड सेमेस्टर में देनी पड़ेगी, जिसका नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, तो इसी से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, प्रूफ के तौर पर आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, सेमेस्टर आपका द्वितीय है और आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम हिंदी में है प्राथमिक चिकित्सा तथा स्वास्थ्य और इंग्लिश में फर्स्ट एड एंड हेल्थ। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि हृदय का वजन कितना होता है, जो आपका हृदय होता है इसका वजन जो होता है वो कितने होता है। ठीक है, हार्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर अगर आपको मालूम तो बेशक कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दें, हृदय का जो वजन होता है यानी कि जो उसका मतलब कि एक तरीके से जिसको आप लोग बोलते हैं कि कितने किलो का है, कितना ठीक है ग्राम है, तो जान लीजिए आज हृदय का जो वजन होता है वो 300 से 350 ग्राम होता है। सा नंबर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन भी क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहोश व्यक्ति को नहीं लिटाना चाहिए कैसा, मतलब कि अगर कोई इंसान बेहोश हो गया है तो उसको आपको कैसे नहीं लिटाना चाहिए। तो ध्यान देंगे इस बात पर, अगर आपके घर में कोई बेहोश हो जाता है, फिर किसी कहीं पर भी हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना उसको उल्टा नहीं लिटाना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला है कि शरीर के सब भागों में केश वाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य कौन करता है, मतलब कि आपके जो शरीर में उसमें जो ब्लड है यानी खून है, ठीक है, केश वाहिनियों तक भेजा जाता है। ठीक है, ये भेजने का जो कार्य है ये कौन करता है, ये आपको बताना है इन ऑप्शनों में से। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बायां निलय जो है वो ये कार्य करता है, यानी कि केश वाहिनियों द्वारा रक्त भेजने का कार्य किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखेंगे बाया निलय द्वारा। अगला प्रश्न पर प्रस्तुत है आप लोगों के समक्ष कि निम्न में से कौन सा भाग अनैच्छिक पेशी एवं निचले ऊतक का बना होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, जो आपको सही उसे आपको बताना होगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, उसका नाम है टायुनिका। ठीक है, टायुनिका मीडिया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, इस सही जवाब बा नंबर हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ साथ में आप लोगों को हम इसकी पीडीएफ भी देने वाले, लेकिन पीडीएफ कैसे देंगे, कहां पर मिलेगी, इसकी जानकारी हम वीडियो के बीच में भी दे सकते हैं, लास्ट में भी दे सकते हैं, तो ये आप वीडियो को कम्प्लीट देखते रहिएगा। और साथ साथ में आपको एक में बेसिक मतलब कि एक बहुत ही बोल सकते हैं कि धमाकेदार ट्रिक्स और टिप्स भी बताने वाला हूँ कि आप परीक्षा में कम तैयारी भी कर मतलब कि अपने एग्जाम की कम तैयारी किए तब भी आप कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़रूरी जानना है और ये 100% वर्किंग ट्रिक है, पिछले काफ़ी छात्रों को मैंने इम्प्लीमेंट कराया था, उनको काफ़ी सफलता मिलेगी और आपको भी मिलेगी अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे। वो ट्रिक हम आपको बताएंगे, लेकिन कब बताएंगे उससे पहले आपको पूरी वीडियो देखना होगा, हम वो बता देंगे। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। अगला प्रश्न है कि हृदय को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए और वहाँ से उत्पन्न विकारों को संग्रहित करने का काम किसके द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सही होगा उसको बताना रहता, तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, कोरोनरी रक्त परिसंचरण के द्वारा यह काम संपन्न होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ यानी कि एक परफेक्ट व्यक्ति का हृदय यानी कि जो हार्ट होता है एक मिनट में कितनी बार धड़कता है। आप सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कई बार, तो सही जवाब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए 72 से 80 बार धड़कता है। ठीक है, नॉर्मली लोग 72 बोलते हैं। ठीक है, तो 72 बार कितने मिनट में धड़कता, एक मिनट में। ओके, अगला प्रश्न है कि वयस्क व्यक्ति की नाड़ी दर कितनी होती है, एक वयस्क जो इंसान होता है व्यक्ति होता है उसकी नाड़ी दर जो होती है कितनी होती है, और ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा 72 बार। ठीक है, दर कितना होता, 72 बार। अगला प्रश्न है कि सामान्य मनुष्य एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो एक सामान्य इंसान जो एक मिनट में सांस लेता है उसकी जो काउंट किया गया है, ठीक है, सामान्य व्यक्ति, ठीक है, एक मिनट में सांस लेता है 16 से 18 बार, ध्यान रखेंगे। हृदय 72 बार अगर धड़कता है, सांस जो है वो 16 से 18 बार इंसान लेता है, कितने मिनट में, एक मिनट में, इस बात को ध्यान रखेंगे। कॉमन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए तो है ही, साथ साथ के आपके आगे फ्यूचर में किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इस वीडियो को हम थोड़ा फास्ट करने का प्रयास करेंगे क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सही सारे क्वेश्चन को कवर करने के लिए तो भाई टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए जो बेटर क्वेश्चन है उनको चलेंगे ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि
प्रश्वसन के समय डायफ्राम होता है, तो ध्यान रखेंगे प्रश्वसन के समय डायफ्राम जो होता है, ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो संकुचित होता है। कैसा होता है? संकुचित होता है। आ नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नासिका का मुंह, नासिका और मुंह के पीछे का भाग क्या कहलाता है, यानी कि जो नासिका होती है और मुंह इसके पीछे का जो भाग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण और कॉमन क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10, उसको कहेंगे हम लोग ग्रसनी, आप लोग जानते भी होंगे। अगला है कि कौन सी उपस्थित स्वर यंत्र की पिछली एवं बाजू की दीवार बनाती है, तो ध्यान रखेंगे उसका नाम है क्रिकाइड उपस्थि। ठीक है, क्रिकाइड उपस्थि ब नंबर सही जवाब होगा। अगला कि सर्दी या जुकाम होने पर शरीर में आर्द्रता रहती है, कम रहती है, ज़्यादा रहती, कितनी रहती है आपको बताना होगा। तो सर्दी जुकाम जब शरीर में रहता है तो आर्द्रता जो होती है वो अधिक होती है, यानी कि बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है कि ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है, अगर नहीं जानते तो जान लीजिए आज। ग्रसनी की जो लंबाई होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान होता है किन माध्यमों से, तो हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान जो होता है, ध्यान रखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो होता है भैया फेफड़ों के द्वारा भी होता है और ऊतकों के भी द्वारा होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सा नंबर, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा भी होता है गैसों का आदान प्रदान, यानी कि आप लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है, तो ये फेफड़ों के माध्यम से लेते हैं और ऊतक भी यहाँ पर योगदान है, ठीक है इसका, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सा नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रसवित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपको मालूम तो जरूर बताएंगे। और प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत रहता है वो रहता है 21%, ध्यान रखेंगे ब नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि वक्र या मूत्रपिंड फेफड़े तथा त्वचा मानव अंग कहलाते हैं किस चीज़ के, वक्र जो होता है, मूत्रपिंड होता है, फेफड़े जो त्वचा होती मानव के, ये अंग क्या कहलाते हैं, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको मालूम है तो। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ब उत्सर्जन कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मूत्रपिंड संख्या में कितने होते हैं, तो मूत्रपिंड की जो संख्या होती है वो होती है 2, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। अगला कि किडनी का वजन कितना होता है, जो आपके लेफ्ट और राइट किडनी जो होती है, ठीक है, इनका वजन कितना होगा होता है, तो किडनी तो आपने नाम तो सुना ही होगा ना, जो आपकी बॉडी में रहती है, ठीक है, तो किडनी का जो नॉर्मली वजन होता है वो होता है 125 से 170 ग्राम। ये अलग अलग मनुष्य और अलग अलग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी कैसी है, तो 125 से 170 ग्राम तक होती है, ठीक है, इसका वजन। अगला है कि किसकी संरचना अंग्रेजी अक्षर यू के समान होती है, आपकी बॉडी में किसकी चीज़ की संरचना यू जो इंग्लिश का यू होता है इसके समान होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हेनले कूप का आकार जो है वो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। अगला है कि हमारे शरीर के में प्रतिदिन लगभग कितना द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, यानी कि जो आप लोग टॉयलेट करते हैं उसके रूप में, मतलब कि उसके साथ साथ द्रव, ठीक है, और मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है वो आपको बताना है। तो करीब करीब एक, ठीक है, 1.5 यानी कि 1.5 लीटर के करीब जो है वो द्रव मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी का, ध्यान रखेंगे सा नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मूत्र में जल की मात्रा सामान्यता कितनी होती है, जब आप टॉयलेट करते हैं तो उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, तो सिंपल सा आप लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जली होता है 96, ठीक है, प्रतिशत होता है, और भी बाकी जो 4 रह गए हैं 100% में, वो बाकी के अलग अलग जो द्रव्य होते हैं, अलग अलग जो हमारे बॉडी में जो अलग अलग वो निकलते हैं, द्रव निकलते हैं, ठीक है, द्रव्य निकलते हैं, वो होते हैं 4%, बाकी 96% पानी होता है। अगला है कि गंध का ज्ञान कराने वाले नाड़ी तंतु कौन से हैं, तो गंध का ज्ञान कराने वाले नाड़ी तंतु का जो नाम है, ध्यान रखेंगे, वो है ऑल्फैक्टरी अफनायु, ठीक है, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि ऑडिटरी अफनायु कौन सा नाड़ी तंतु है, तो ऑडिटरी अफनायु कौन सा नाड़ी तंतु है ये आपको बताना है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कानों का संवेदना, ठीक है, संवेदनावाहक नाड़ी तंतु जो है ये ऑडिटरी स्नायु का नाड़ी तंतु है, ध्यान रखेंगे।
ब नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि मस्तिष्क का कौन सा आवरण तनिका एवं मृदु तनिका को अलग करता है। तो जो मस्तिष्क यानी माइंड होता है, दिमाग, इसका जो कौन सा आवरण है जो तनिका एवं मृदु तनिका को अलग करता है, दोनों को अलग अलग करता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखेंगे काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है, ब नंबर सही जवाब हो जाएगा, मध्य आवरण, ब नंबर सही जवाब। अगला कि वाचा केंद्र कहाँ होते हैं, तो ध्यान रखेंगे वाचा केंद्र जो हैं वो ध्यान रखेंगे कहाँ पर होते हैं, एक मिनट, पाश्रुखंड में होते हैं, स नंबर सही जवाब होगा। कहाँ पर होते हैं, पाश्रुखंड में, स नंबर सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला है कि अंगूठे की पट्टी लगभग होती है, अंगूठे की जो पट्टी होती है वो लगभग कितनी होती है, कितनी मतलब उसका एरिया क्या होता है, लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, ठीक है, सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सा, एक सही 1/2 मीटर लंबी और एक सही 1/2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि ग्राफ नली को जोड़ मतलब ग्राफ नली को डॉट डॉट को कौन सी चीज़ को जोड़ता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ग्राफ जो नली है ये गले से पेट तक को जोड़ता है, ग्राफ नली जो है ये गले से लेकर यानी जो आप गला जहाँ पर खाते हैं पेट तक का जो एरिया होता है ग्राफ नली बोला जाता है, जो कि एक पाइप के समान होती है, इसी के माध्यम से जो खाना है पानी आपका जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपचार में सबसे अधिक काम आने वाली पट्टी कौन सी है। तो यहाँ पर आपको कई सारी पट्टियों के नाम दिए गए हैं, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, त्रिकोणी पट्टी का सबसे ज़्यादा प्राथमिक उपचार यानी कि जो डॉक्टर लोग करते हैं, ठीक है। साधारण यानी कि आप घर में भी यूज करते हैं, प्राथमिक सबसे पहला जो उपचार होता है आप घर में ही करते हैं, चाहे वो कोई औषधि हो या फिर कोई आपके पास अलग अलग जो दवाइयां हैं या फिर कोई अन्य चीज़ है जिस हिसाब से आपको समस्या हुई उस हिसाब से उपचार करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सही जवाब इसका होगा त्रिकोणी पट्टी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि साधारण टूट में आसपास में क्या स्थित होता है। तो जब साधारण कुछ चीज़ टूटती है तो उसमें केवल हड्डी टूट जाती है और आसपास के ऊतक जो होते हैं आपके बॉडी में उनकी हानि होती है, ठीक है, सही जवाब दा होगा। अगला है कि कच्ची टूट में क्या होता है, जो आपको कच्ची टूट होती है यानी कि जब आप कहीं से गिर जाते हैं या फिर चोट लग जाती है, तो जब कच्ची टूट चोट होती है या फिर आप लोग कह सकते हैं कि फ्रैक्चर होता है तो उसको कहेंगे हम लोग हड्डी लचक या झुक जाती है, ठीक है, इस प्रोसेस में कच्ची टूट में, ब नंबर। अगला है कि खुले फ्रैक्चर यानी कि कहीं टूट गया है तो खुले फ्रैक्चर में जो हड्डी टूटी है उसे रखना चाहिए गतिशील या फिर सीधी, क्या रखना चाहिए, तो उसको गतिशील रखनी चाहिए ताकि वो जल्दी से वर्क करने लगे, ठीक है, आ नंबर सही जवाब होगा। पहले तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, देन उसके बाद ही उसको गतिशील बनाया जाता है, एक्सरसाइज इसको बोलते हैं। अगला है कि फ्रैक्चर के साथ यानी कि चीज़ टूट गई है तो फ्रैक्चर के स्थान पर यदि कोई घाव नहीं है तो वो क्या कहलाएगा। तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बताइए अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, हड्डी खिसकना, ठीक है, हड्डी खिसकना बोलते हैं जब घाव नहीं रहता तो, ठीक है। अगला है कि जोड़ के उतरने पर हड्डी अपने स्थान से मतलब कि आपके बॉडी है या फिर घुटना है हाथ का पैर का, तो कभी कभी होता है कि आपको चोट लग जाती है तो घुटना आपका थोड़ा नीचे आ जाता है फिर ऊपर आ जाता है तिरछा हो जाता है, तो वही बात जा रही है कि जोड़ जहाँ पर होता है वहाँ से अगर हड्डी इधर उधर हो जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है तो उसको क्या कहेंगे। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब हो जाएगा हड्डी हट जाती है एक स्थान से, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि साधारण घाव भर जाता है कितने दिन में। तो जो साधारण अगर घाव है आपके अंदर तो वो 7 दिन में आपका परफेक्ट हो जाता भर जाता है, ये कॉमन बात है, ठीक है, वैज्ञानिक के हिसाब से। अगला है कि टूर्नीकेट सदैव खुलवाना चाहिए। तो टूर्नीकेट जो है वो सदैव जो खुलवाना चाहिए वो खुलवाना चाहिए डॉक्टर से, सही जवाब होगा स नंबर, ध्यान रखेंगे। अगला कि मानव शरीर में प्रमुख दबाव बिंदु कितने होते हैं। तो मानव शरीर में प्रमुख दबाव बिंदु जो होते हैं उनकी संख्या है 6, द नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि नाक में रक्त स्राव को क्या कहते हैं, अगर नाक से मान लीजिए ब्लड बह रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं नकसीर फूटना, ठीक है, आप लोग बोलते रहे कि जिसको बोलते हैं कि गांव की भाषा में बोलते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एक मिनट ध्यान कर लेने दो तो बताएं आपको भाषा बोलते हैं, ठीक है, नाभा, हाँ शायद नाभाई बोलते हैं, नाभाई नासा बोलते हैं, ठीक है, ये टूट जाता है नाक में, ठीक है, तो ब्लड बहने लगता थोड़ा थोड़ा। अगला है कि आग से जलने के भाग को क्या करना चाहिए। तो आग से जले भाग को
ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, उसको आपको तुरंत के तुरंत कंबल पे ढक देना चाहिए। हाँ, नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक पदार्थों से जले भाग को क्या कहते हैं? तो रासायनिक पदार्थ से या फिर रासायनिक पदार्थों से जले भाग को त्वचा के रसायन को शीघ्र हटाइए, ठीक है, तब कि शीघ्र से शीघ्र उसको हटाना चाहिए। अगला कि रोगी कब पानी से डरने लगता है? तो ध्यान रखेंगे, जब पागल कुत्ते के काट लेता है और आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको पानी से डर लगता है, सा नंबर सही जवाब होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? जल के माध्यम से भी बहुत सारे रोग फैलते हैं, तो जल के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे, उसका नाम है थिपथीरिया। सॉरी, एक मिनट, सही जवाब इसका आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। चलिए बताइए पहले आप सभी, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें कोई ऑप्शन दिया गया नहीं जो करेक्ट हो, फिलहाल मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जल द्वारा फैलने वाला जो रोग होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि हैजा हो जाता है, पेचिस पड़ने लगती है, टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह की बीमारी है जो हेपेटाइट हो जाता है, ठीक है, हेपेटाइट, तो इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया इसलिए हम इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इस तरह कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया जो जल से फैलने वाला रोग हो इसमें, तो इसलिए इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। अगला कि टाइफाइड रोग में आहार देना चाहिए, यानी कि अगर आपको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड का बुखार, तो आपको क्या खाने में देना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, आपको हल्का तथा सुपाच, यानी कि हल्का खाना जो आपके पच जाए, ठीक है, पेट में जाके अच्छा, वो देना चाहिए। अगला है कि वायु मार्ग में अवरोध आ जाने पर श्वास अंदर या बाहर जाना हो जाता है आसान या फिर कठिन? अगर आपको वायु मार्ग में अवरोध यानी कोई समस्या हो जाती है तो सांस लेने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो वायु मार्ग में अवरोध आ जाने पर सांस अंदर और बाहर ले जाना आपको बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा बा नंबर, क्योंकि कठिन हो जाता है, ठीक है। अगला है कि जब मस्तिष्क की विकृत दशा के कारण सांस ना लिया जा सके तो तुरंत आपको कृत्रिम सांस देना चाहिए, पीठ थपथपाना चाहिए, किसी की नाक दबाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं? अगर आपको विकृत दशा के कारण सांस ना लिया जा सके तो आपको तुरंत आपको कृत्रिम श्वास देना चाहिए, इस बात को ध्यान रखेंगे, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि मस्तिष्क का कौन सा आवरण तनिका एवं मृद तनिका को अलग करता है? हालांकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर से क्वेश्चन है तो उत्तर जान लीजिए, सही उत्तर होगा मध्य आवरण, ठीक है, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि जन्म के साथ प्राप्त होने वाली प्रतिकारिता कौन सी है? तो जन्म के साथ प्राप्त होने वाली प्रतिकारता का नाम है प्राकृतिक, ठीक है, आ नंबर सही जवाब होगा। चेचक के टीके से प्राप्त प्रतिकारिता कितने वर्ष के लिए होती है? चेचक आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जिसको माता जी बोलते हैं, ठीक है, छोटी माता, बड़ी माता, ब नंबर सही जवाब हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष के लिए होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तपेदिक से बचाव के लिए BCG का टीका कब दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर आपको मालूम तो कमेंट सेक्शन में बताएं, सही जवाब हो जाएगा अ नंबर 7 दिन, ठीक है, कब दिया जाता है? 7 दिन में। अगला है कि पाचन एक प्रक्रिया है किस चीज़ की? पाचन एक प्रक्रिया है रासायनिक और यौगिक। अगला है कि आहार नाल जो होती है, यानी कि आपके जो शरीर में मुख से लेकर पेट तक जो नाल होती है जिसके माध्यम से आप खाना खाते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है, ठीक है, मीटर में? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 9 मीटर की होती है, ध्यान रखेंगे। दांत का बीच का हिस्सा क्या कहलाता है? तो दांत के जो बीच का हिस्सा होता है, ध्यान रखेंगे, उसको कहा जाता है पल्प, सही जवाब बा नंबर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। अगला है कि अक्ल बाढ़ किसे कहते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं कि अक्ल के दांत निकल रहे हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि आपके अक्ल के दांत निकल रहे हैं, तो अक्ल बाढ़ किसे कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उसको बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे? चवरड़क, द नंबर सही जवाब होगा। अगला है मस्तिष्क को घेरने वाले मस्तिष्कावरण को डॉट डॉट किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, तो उसको जाना जाता है कपाल मस्तिष्कावरण के नाम से, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कपाल के आंतरिक भाग के साथ स्थित पहली एवं सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? तो सबसे पहली और बाहरी जो झिल्ली, उसका नाम है दृढ़ तनिका, ठीक है, बा नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क एक हड्डी की संरचना में घिरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, अगर आपको मालूम है तो, उसको कहते हैं कपाल, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रामस्तिष्क में सिलवटों मोड़ के बीच गहरे खांचे के रूप में किसको जाना जाता है या फिर किसको जानते हैं? तो उसको जानते हैं हम लोग किस नाम से, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको जाएंगे विदर के नाम से,
आपका सही जवाब हो जाएगा सा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ललाट खंड को संघ टेम्पोरल खंड से अलग किया जाता है किसके द्वारा? तो उसको किया जाता है पश्चिर्क प्रामस्तिष्क परीक्षा के द्वारा, ध्यान रखेंगे आ नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि पूर्व काल से पश्च की सतह तक के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, वर्मिश कहा जाता है। ठीक है, और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से पहले या फिर कोई क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन का उत्तर या फिर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो एक ही बार पढ़ने से या फिर एक ही बार आपको देखने से कोई भी अच्छी तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। कम से कम कोई भी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो कम से कम 2 से 3 बार कम से कम वीडियो को देखिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बुक से या फिर सीरीज से या फिर किसी पीडीएफ से, तो कम से कम 3 से 4 बार उस वीडियो को पढ़िए, उस प्रश्न के उत्तर को पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगा। वरना एक ही बार में पढ़ने से सब आ जाता तो जो 1 साल का या 6 महीने का जो कोर्स होता है, 6 महीने का जो आप लोगों का टाइम मिलता है, वो एक ही दिन का ना कर दिया जाए कि आप लोग एक ही दिन में पढ़ के एग्ज़ाम दे देंगे। तो इसलिए समय लगता है किसी भी चीज़ को समझने में, तैयार करने में, पढ़ने में, इसलिए कम से कम 3 से 4 बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपके रग रग में बस जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भैया पूर्व काल से पश्च की सतह तक के मध्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो पूर्व काल से पश्च की सतह तक के मध्य भाग को जो कहा जाता है उसका नाम है वर्मिस, द नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि प्रतिच्छेदी करने वाले एक्सोन के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है फ्लेक्सस। ठीक है, प्लेक्सस कहा जाता है, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि नेत्र गति नियंत्रित होती है कब? तो नेत्र गति जो नियंत्रित होती है चक्रक तंत्रिका द्वारा होती है, वह नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि प्रमस्तिष्क प्रांतस्था यथार्थता एवं सटीक रूप से समन्वित अंग गतिविधियों को लाने के लिए कौन से मार्ग मोटर सिंगल ले जाते हैं? ठीक है, तो वो जाते हैं प्रांतस्थ मेरुदंड मार्ग। ठीक है, ये आपको मोटर सिंगल ले जाते हैं, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि न्यूरॉन्स विभिन्न परतों से ढके होते हैं, वे किस चीज़ से ढके होते हैं? आपको उसको बताना है कि किस चीज़ से ढके होते हैं। तो वो ढके होते हैं अंत अवतंत्रिका कला एवं तंत्रिकावरण से, और तंत्रिकावरण एवं परितंत्रिका से। इसलिए सही जवाब सा हो जाएगा क्योंकि आ भी सही है और बा भी सही, इसलिए सही जवाब सा होगा क्योंकि दोनों से ढके होते हैं। अगला कि मस्तिष्क के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? तो मस्तिष्क के जो बाहरी आवरण रहता है उसको हम लोग मस्तिष्कावरण कहते हैं, आ नंबर सही जवाब होगा। अगला कि 5 इंद्रियों का वर्गीकरण किसने दिया है? तो 5 इंद्रियों का जो वर्गीकरण दिया है उनका नाम है अरस्तु, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री अर्थशास्त्री और विद्वान है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जीभ में स्वाद कलिकाएँ होती हैं जो स्वाद के अनुभव में सहायता करती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जिनको हम लोग कहते हैं स्वादन कहते हैं, आ नंबर सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आयरिस का मुख्य शरीर किसके द्वारा बनता है? तो आयरिस का मुख्य जो शरीर है जिसके द्वारा बनता है उसका नाम है, ध्यान रखेंगे, दृष्ट चक्र, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला कि कांच की सतह के पीछे के भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पार्स प्लाना, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि आँख के उस भाग का नाम बताइए जहाँ से टेरस आंसू उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपको टीयर्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, और आंसू को, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीयर्स, और हिंदी में तो आंसू बोलते हैं। तो आंसू उत्पन्न होते हैं मतलब आँख के उस भाग का नाम बताइए जहाँ से आंसू उत्पन्न होते हैं। तो ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ठीक है, अस्त्र उपकरण से उत्पन्न होते हैं, किससे होते हैं? अस्त्र उपकरण से, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि 3 झिल्लीदार वाहिकाएँ यूट्रिकल में खुलती हैं तथा वाहिकाओं का फैला हुआ सिरा क्या कहलाता है? ठीक है, तो उसको कहा जाता है एम्पुली, बा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि कान की अस्थियों का भाग कौन सा है? तो कान की अस्थियों का जो भाग है वो है, ध्यान रखेंगे सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए कमेंट सेक्शन में, आपको मालूम है तो हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, क्योंकि कान की अस्थियों को भाग को मेलियस और, ठीक है, मेलियस और स्टेपिज अस्थोण इनकस भी कहा जाता है, सही जवाब दा होगा। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी है? ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तो
तो शरीर की सबसे बड़ी जो तंत्रिका उसका नाम है आसन तंत्रिका। आ नंबर सही जवाब होगा। अगला कि वामन, ठीक है, वमन केंद्र है तो वमन केंद्र कौन सा है? तो वमन केंद्र जो है वो है मेरु, ठीक है, मेरु रज्जु शीर्ष, मेरु रज्जु शीर्ष है, बा नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि मस्तिष्कावरण में होती हैं कितने परतें? तो मस्तिष्कावरण में जो परतें होती हैं उनकी संख्या है 3, सही जवाब होगा आ। अगला है कि दृष्ट क्षेत्र में उपस्थित होते हैं क्या? तो दृष्ट क्षेत्र में जो उपस्थित होते हैं वो होते हैं पाश्चक, ठीक है, ठीक, पाश्च कपाल, ठीक, क्या होते हैं? पाश्च कपाल उपस्थित होते हैं। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आँख को बंद करने वाली कौन सी मांसपेशी है? तो आँख को बंद करने वाली मांसपेशी का नाम है शंख पेशी, ध्यान रखेंगे, सही जवाब बा होगा। अगला प्रश्न है कि मीठे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जीभ के किस चीज़ पर स्थिर होती हैं? तो मीठे स्वाद के लिए स्वाद कलिकाएं जो हैं वो जीभ के पीछे स्थित होती हैं। सही जवाब आ हो जाएगा, ठीक है, कौन सा होगा? आ नंबर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, तो फिलहाल आज की इस वीडियो मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और ये पूरी की पूरी जो PDF है आंसर के सहित यानी कि उत्तर के सहित आपको चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उस पर हम आपको सेंड कर देंगे, जो छात्र हमें मैसेज करेंगे मतलब, ठीक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप से ज्वाइन होकर, तो आपको सेंड कर देंगे, तो तैयारी कर लीजिएगा। बाकी आपको बहुत सारी PDF मिलती रहेंगी, और एक जो बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स है मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मान लीजिए आपको नहीं मालूम इसका उत्तर एकदम से, तो आपको सिलेक्ट कर देना द नंबर। अब द नंबर हो सकता है इनमें से सभी, उपरोक्त में से सभी, इसी तरह के ऑप्शन ज़्यादातर रहते हैं, इनमें से सभी या फिर उपरोक्त में से सभी, या फिर सा नंबर पे हो जाता है कि आ नंबर, आ भी और बा भी, ठीक है, आ भी सही है और बा भी सही है, तो वहाँ पर सा पे लिखा रहता है कि आ और बा दोनों, तो या तो यह सिलेक्ट करेंगे, या तो अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है आ और सा वाला, तो आपको यही वाला लास्ट वाला सिलेक्ट करना है द नंबर, जहाँ पर लिखा होगा उपरोक्त में से सभी या फिर इनमें से सभी, ठीक है, जिस जिस भी प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा फिलहाल, ठीक है, तो ये ट्रिक आप जान सकते हैं। बाकी आपका अपना ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सक्सेस टू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।